जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि HSSC की 2019 में हरियाणा क्लर्क की वैकेंसी आई थी, तो उसका एग्ज़ाम भी हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया था। फाइनल सिलेक्शन के बाद कुछ क्वेश्चंस में इशूज़ थे, कोर्ट में केस चला गया था। कोर्ट के केस जाने के बाद जब फैसला आया तो अगेन रिजल्ट को रिवाइज किया गया, कुछ क्वेश्चन गलत थे तो वो ठीक किए गए, जिसकी वजह से एक नई कट ऑफ बनी। और जब नई कट ऑफ बनी, जो बच्चे पहले से सिलेक्टेड थे, अब उनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो फाइनल जो कट ऑफ आई है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अब उनके जॉब तो जाने के चांसेस हो गए थे, नए बच्चों की ज्वाइनिंग भी दे दी उन्होंने, ठीक है। तो अब जिसकी मतलब जो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो सिलेक्टेड थे पहले, उनसे एक नोटिस मांगा गया था, एक रिप्लाई मांगा गया था डिपार्टमेंट ने, कमीशन ने मांगा गया था। तो उसमें 156 बच्चों के रिप्लाई आए हैं, लगभग 690 प्लस बच्चों ने रिप्लाई नहीं किए। जिस भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया है, आज उनकी एक लिस्ट बना के HSSC ने अपने कमीशन पे, अपने वेबसाइट पे डाल दी है। जिस भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया है या कोई इशू आया हुआ था, वो अपने नाम देख सकते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। एक नया नोटिस आया हुआ है HSSC क्लर्क का, एक बार आप लोग उसे चेक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय।